अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। ठीक होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी जाके पता चलेगा किधर जाना है। तो हम जा रहे हैं बाहर पकोड़े लेने, पकोड़ों का सामान लेने। तो आज हम बनाने लगे हैं आलू के पकोड़े। और मेरा दिल हो रहा था, गर्मी आ गई, गर्मी में पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, साथ में रायता भी, ठीक है। तो आज की हमारी रेसिपी यही है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं बाहर जाके। लोगों ने पकौड़ों का सारा सामान खरीद लिया है, लेकिन दोपहर का टाइम था, हमें लग रही थी हल्की फुल्की भूख, है बेटी। तो हम यहाँ से आए पिज़्ज़ा मैक्स से, वो लेने हैं फिंगर चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, मेरे को तो नाम भी नहीं लेना आता, वही फ्रेंच फ्राइज लेने आए पिज़्ज़ा मैक्स। इनके चिप्स बहुत ही टेस्टी होते हैं, बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो वो लेते हैं हम लोग, फिर चलते हैं घर पर, तो खाएँगे घर पर जाकर। पार्सल लिए, ठीक है बच्ची। तो ये हम लोग पकौड़ों का सारा सामान ले आए हैं, ठीक है। गाजर नहीं डालनी, गाजर वैसे ही लाए हैं, बाकी आलू वालू सब कुछ ले आए हैं, ठीक है। और चिप्स ये वाले लाए हैं, और जोया भी खा रही है। ये देखें बिट्टी काट रही है मसाला, है बेटे। हाँ जी, हाँ पकौड़ों के लिए मसाला काट रही है बेटे। छुरी देखो कैसे पकड़ी गई। आलू आलू ये गोभी भी डालेगी, एक बैंगन भी डालेगी बिट्टी। तो मैं भी अभी बिट्टी की हेल्प कराने लगा हूँ, ठीक है बिट्टी। तो पकौड़े आज हम लोग बना रहे हैं, इसमें हम पालक डाल रहे हैं, बाकी टमाटर नहीं डाल रहे, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, गोभी, बैंगन और सूखा धनिया और थोड़ा सा सोडा और ये बेसन हमारा, ठीक है। तो ये सब कुछ डालेंगे, बस इन सबको मिक्स करके तो पकौड़े बन जाएंगे, है ना बेटी। देखो जान कर रहा है, जोया इतना तंग कर रही है, कुछ करने ही नहीं दे रही। देखो रोई जा रही है, रोई जा रही है। ये मैंने बनाया थोड़ा सा सामान, तो भी जोया इतना तंग कर रही है, देखो देख रही है अभी मेरी तरफ, और जान मेरी हेल्प करा रहा है। शाम के हमें आज पकौड़े खाने, है ना जान, पकौड़े खाने आज। बोल नहीं सकता वो अभी तक, क्यों नहीं बोल रहे जान, बोल नहीं रहा ना। और जोया देखो, जोया तंग करने का चक्कर में है। खा रहे हो वो भी, खा रहे हो ये खाने है। ये क्या है सर, क्या दिखा रहे हो सैम, कुछ दिखा रहे बैंगन के ना जान, बैंगन और क्या, ये क्या है, गोभी है, ये गोभी का फूल है। हाँ आलू वो भी दिखा रहा, क्या 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 डालने लगे, ये भी और ये भी है, और ये सब हरी मिर्ची काटने में मसरूफ है। देखें ये गोभी काटी, ठीक है, और ये हरी मिर्ची, और ये गोभी के नीचे अदरक लहसुन भी है, ठीक है, और ये प्याज टमाटर पालक डाल ली, पालक भी मिट्टी में डाल दी, ठीक है। तो ये हमारा बेसन, और ये हमारा सूखा धनिया, डालना कम नहीं है लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। बस कर रहे हैं पकौड़े, बना रहे हैं, जब बन जाएंगे आपको पता चल जाएगा और दिखा भी देंगे। हाँ तो हमारी लाइट भी चली गई और अब बिट्टी बनाने लगी है मसाला। इसमें बिट्टी ने देखो टमाटर और प्याज, अदरक लहसुन, गोभी, अभी बिट्टी सूखा धनिया और बेसन मिक्स करने लगी है, और हरी मिर्ची डालेगी, बस ज़्यादा नहीं डालना ये बहुत है, ये तो सूखा धनिया कम ही मारना, कम ही डालना। तो ये हमने ये भी रख लिया, इसमें ऑयल वॉइल डालो थोड़ा, वो हो जाए गरम। तो ये गोभी धो के बेसन वेसन बिट्टी ने सब ये रख दिया, बिट्टी ने ऑयल भी डाल दिया, ठीक है। ये खमखीर है,
ये खमकीर रखा होगा, ऑयल गर्म हो जाएगा तो लग जाएगा पता। ठीक है, और मिठी हल्दी वल्दी डाल रही है, हल्दी डाली, मिर्ची देख लेना कम ही डालना, हरी मिर्ची बहुत डाली। अब मिठी बेसन वेसन डालेगी बस, तो फिर बनाएंगे पकौड़े। जोया ने बहुत वो किया, इस वजह से टाइम लग गया, नहीं तो जल्दी बना लेने थे। ठीक है, ये सब चीज़ें मिक्स करके, और हमें तो बस हल्की फुल्की चीज़ें बनानी आती हैं, पकौड़े वगैरह वगैरह हल्की फुल्की। तो ये घी भी हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है ऐसा लग रहा है। मिठी ने बेसन भी डाल दिया और सैम पता नहीं क्या कर रहा है। सैम क्या है कोई, ये किसी की देख ली क्या है क्या? तो आज हमारे घर पे काफी सन्नाटा है क्योंकि लाइट चली गई है और हमारी बेटी प्यारी जोया सो रही है और ऑयल काफी गर्म हो गया। बेटे ओए हट जा, दे इधर, खेलने का नहीं है ये, देता ही नहीं है कसम से। और ये बेटी देखो पानी डाल के गोल रही है बेसन को, इसको हाथ से करोगी तो फिर ही सही होगा। नहीं ऐसे मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अच्छा वाह, आपको बड़े तरीके हैं। तो ये पकोड़े काफी टेस्टी और लजीज बनने वाले हैं ना, क्योंकि अब गोभी भी डाली है, बैंगन भी डाले हैं और बेसन हम कम से कम डालते हैं। जान इसको पीछे कर लो, सेमी हट जाओ। ये मसाला बन गया हमारा पकोड़ों का, ये उसके और अभी हम डालते हैं इसको ऑयल में। ठीक है, छोटा चमचा ले लो, उससे डाल, हाथ से डालोगे छीटे छीटे नहीं पड़ जाए ख्याल से। अच्छा वो चम्मच से निकालो, समझ ये पहला पकोड़ा हमने रख दिया है। ठीक है, दूसरा तीसरा, ये देखे मैं बिट्टी की हेल्प भी कर रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ और पकोड़े भी हमारे बन रहे हैं और पकोड़े बड़े टेस्टी होने वाले हैं, है ना बिट्टी? पहले आप टेस्ट करना। हाँ पहले हम करेंगे टेस्ट, तो फिर आप लोगों को भी कराएंगे टेस्ट। इसकी साइड नहीं बदली जा रही, हट जा सैम। रही है बिट्टी और मैं बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है बिट्टी, इनकी साइड चेंज करो। अच्छा ये जो नॉन स्टिक का ये है ना चमचा, ये सही नहीं है। हाँ ये वो है, पिघल रहा है ना, नरम हो रहा है। तो ये देखें पकोड़े हमारे हो रहे हैं तैयार और काफी लजीज लग रहे हैं। अगर आप लोगों ने भी खाने हैं तो आ जाएं। और ये देखें मसाला। ठीक है, तो अब इनको मैं निकालता हूँ बाहर और टेस्ट करते हैं, कोई नमक मिर्ची की कमी पेशी रह गई तो वो पूरी कर लेंगे। ये हमने तीन चार निकाले, आप देख सकते हो काफ़ी यमी और काफ़ी टेस्टी बने। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि अभी मिठी निकाल रही है और मैंने मिठी की हेल्प भी कराई थी, है ना बिट्टी? जब भी ये करवाते हैं बहुत अच्छे। हाँ तो हम लोगों ने एक दफ़ा चिकन पकौड़े भी बनाए थे चिकन डाल के, तो तब भी खोलो। अंजू बेटा आपका इधर क्या काम है? मैं और आपकी मम्मा कुकिंग कर रहे हैं ना, कुकिंग का चैनल स्टार्ट किया। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह पकौड़े हमारे देखें कितने टेस्टी तले जा रहे हैं और इधर तले गए हैं। तो अभी बिट्टी को ये हम चेक कराते हैं। इधर तो वो आएगा ना, ये तो काफी गर्म है अभी, अभी तो निकालो, काफी गर्म है। आजा बाजी चंदा, आजा बाजी चंदा आप पकौड़े खा लो। मेरा नाम सोनी ब्लॉग, आजा पोमी, आजा पोमी पकौड़े खा लो, आजा हीरा पकौड़े खा लो। क्या अंजलि को बोलो लगा के देगी बेटा, अंजलि को बोलो लगा, मोबाइल गिरा, मोबाइल तोड़ेंगे। अच्छा लगा के दूं, ये पता क्या देखता रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखता रहता है, ये देखो ये पानी में, पानी में, पानी में रख दे, रख दे इसको, रख दो बेटा। तो
पकौड़े लेने हैं, पकौड़ा खाएगा। तो अभी हम बिट्टी को चेक कराते हैं और पूछते हैं बिट्टी से कैसे बने। करो ना, करो ना, आप गर्म है थोड़ा और काफी क्रंची भी लग रहे हैं, है ना। अंदर से देखो, तोड़ के दिखाना बिट्टी, ऐसे तोड़ के दिखाओ, देखें अंदर से भी पक गए हैं माशाल्लाह, और बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तो बहुत ही टेस्टी बने हैं, तो हम तो पकोड़े बनाते भी रहेंगे और खाते भी रहेंगे। तो आपसे मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।